हमारा एक अनमोल रतन। बहुत शरारती हो गया यार आजकल। आजकल ना अगर इसको हम अपने पास सुनाते हैं तो मतलब सोता ही नहीं है, इतना डिस्टर्ब करता है। और मेरी जो ये है डाटा केबल है ये सारी इसने ख़राब कर दी है, पता नहीं कैसा है। अभी भी यहाँ देखो मैं इसके पास हो जाऊँगा, ये बिल्कुल ये लग जाएगा। अभी इसका मूड यहाँ देखो हाथ मारने लग गया, बहुत शरारती हो रहा है। तेरे को ना मैं देख ले कुछ हो जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ अपने हेटर्स के बारे में और कल की वीडियो के बारे में। जो कल हमने एक प्रैंक कॉल वीडियो बनाया था जो जिसका टाइटल था अमेजिंग रिस्पॉन्स गर्ल्स प्रैंक कॉल कुछ था, तो उस वीडियो के बारे में और अपने हेटर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जो मैंने कल की जो वीडियो अपलोड की थी वो प्रैंक कॉल वाली, तो मुझे उस पर कुछ बंदे बोल रहे थे कि यार आपको लड़कियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये प्रैंक कॉल गलत हुआ है, या किसी ने ऐसा बोला कि ये वीडियो डिलीट कर दो। तो मुझे लगा कि यार मैंने कुछ तो गड़बड़ की है, कुछ तो गलत किया है मैंने, तो मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे डिलीट कर देनी चाहिए। तो मैंने वो वीडियो डिलीट तो नहीं की, मैंने वो वीडियो मतलब 1 से 2 घंटे के लिए प्राइवेट कर दी। तो उन बंदों ने बोला कि भाई थैंक यू आपने ये डिलीट कर दी। तो अरे मैं लगा कि मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसा तो किया ही नहीं है भाई कि मैं इसे डिलीट कर दूँ। तो मैंने वो वापस से जो उसकी थी प्राइवेसी वो पब्लिक कर दी, और उसके बाद में जो है बंदों ने मेरे को कुछ नहीं बोला। यार अगर देखा जाए ना, कुछ ना कमी ना अपने आप में भी होती है, जो कमी अपने आप में होगी तो वही बंदा आपको बताएगा कि भाई आप में ये कमी है और आपने ये किया है, तो वो सुनने में अच्छा तो लगता है नहीं। तो अगर बात करें हम अपने हेटर्स की, हेटर्स भी यार जो सक्सेस बंदा होता है ना, हेटर्स उसी के पीछे पड़ते हैं, उसके मतलब उससे वो नीचे झुकाना चाहते हैं, ना उसे ऊपर उठने देते हैं और नीचे की ओर दबाएंगे, सिर्फ नीचे की ओर। तो ये गलत है यार, जो हेटर्स होते क्यों ऐसा करते हो यार, सबको सपोर्ट करो, सब भाई भाई है, सबके साथ मिलकर चलना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि यार भाई साहब तू तो कुछ ज़्यादा ही उछड़ रहा है तेरे को तो हम ऐसा करेंगे, भाई बिल्कुल मत ऐसा किसी को मत सोचो, सब एक जैसा, सब यार सब भाई भाई है, किसी को कुछ नहीं करना होता है, बस अपना जो है मिलजुल कर रहना है और सपोर्ट करके एक दूसरे को चलना होता है। तो क्या था कि मेरे भी कुछ ऐसे हेटर्स थे तो थे, क्या है ही बोल सकते हैं हम लोग। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि यार अगर हेटर्स होंगे तो हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, अरे भाई अगर हेटर्स हो आप लोग तभी तो हमारा भी चल रहा है। पर ये क्या होता है ना, जो हम जैसे वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, जो हमारा उसमें मतलब काम में मन नहीं लगता यार। मैं मेरा खुद ऐसा सीन हुआ है, मेरे जो हेटर्स है बहुत ही गंदा, मेरे को उन्हें डिप्रेस्ड कर दिया था, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, वीडियोस मेरे से बन ही नहीं रही थी, ना मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं लग रहा था, वीडियो बनाने मन नहीं लग रहा था। तो मैं कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया कि यार नहीं मैंने वीडियो नहीं बनाया। पर यार मेरे को फिर मैंने सोचा इस बारे में सोचा कि भाई ऐसा तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, तेरे को तो वीडियो बनानी चाहिए। बंदे बोलने तो बोलने दे भाई, बंदे बोलते हैं क्यों इग्नोर करो और आगे बढ़ो। यार जितने भी ऐसे बंदे होते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई ना कोई बंदा होता है जो उन्हें दबा देता है, आगे बढ़ने नहीं देते। पर इग्नोर करिए, अपनी लाइफ जिए, अच्छे से जिए, क्योंकि क्या होता है ना कि लाइफ बहुत छोटी है, पर कहने को बहुत बड़ी है, लाइफ बिल्कुल भी छोटी, बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं होता कि कब क्या हो गया। अभी लॉकडाउन, अभी कुछ टाइम पहले लॉकडाउन था, अभी भी लॉकडाउन तो अभी है, पर लॉकडाउन को कितना टाइम हो गया, वो बात वो है, टाइम 3-4 महीने होने वाले हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन तो अभी हुआ है। घर में ही सब कुछ ऐसे पकड़ा है, जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत की जो सुसाइड केस आया, वो भी डिप्रेस हो गया था यार घर पे रह रहे कि मुझे ऐसा लग रहा है
मैंने ज़्यादातर उनकी जो वीडियोस देखी जो बनी है एम्पायर सुसाइड के बाद कि उन्होंने ऐसे मेंटल सुसाइड किया क्या कुछ, तो लाइफ छोटी सी है, अच्छे से जियो और इन्जॉय करो। तो मैं हिटर्स को यही बोलना चाहूँगा फक ऑफ, और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अपना कंटेंट अपलोड करेंगे और देखेंगे बढ़िया से बढ़िया आपके लिए वीडियोस लाए, कंटेंट लाए और न्यू जो व्यूज़ है आपको हम दिखाएं, तो ताकि आप चैनल पे हमारे आए, बढ़िया आपको हमारी वीडियोस लगे। तो बस यही मैं चाहता हूँ, और कर देना वीडियोस लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटे को दबा देना, और न्यू अपडेट देखते रहना। तो गाइस मैं यही बोलना चाहूँगा हेटर्स, और जो मेरे कल के वीडियो पे जो कुछ बंदों ने मुझे बोला था कि भाई गलत सीन है, गलत सीन, तो मुझे भी लगा कि भाई ये तो गलत ही सीन है जो तुम बोल रहे हो, मेरी वीडियो में ऐसा भी क्या है जो तुम उसे कह रहे हो कि लेट करते हैं भाई इसमें गलत है सब कुछ। तो कोई नहीं, मैंने कुछ टाइम के लिए डिलीट भी की बट पब्लिक कर दी, वीडियो चल रही है अभी। तो वीडियो क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।